छोटा था तो मुझे पढ़ने के साथ साथ प्रतिस्पर्धात्मक होने का बड़ा शौक था। मेरे लिए जरूरी हो गया था फर्स्ट आना। तो एग्जाम्स हुआ करें, फिर टीचर्स आए तो वो आंसर शीट के बंडल लेकर के आती थी और वो ऐसे रख दें यहाँ पर, और फिर वो कॉपियाँ बटती थी और उस वक्त सबकी धड़कनें थम जाती थी कि भाई अब मार्क्स पता चलेंगे। तो एक सबक सीखा मैंने एक दिन। कॉपियाँ सब ऐसे ही बट रही थी, देखा मेरे 95 आए हुए हैं और मैं 95 आते भी हैं तो जाता हूँ तुरंत मैम के पास कि देखिए देखिए यहाँ आपने 1 नंबर काट लिया, यहाँ नहीं होना चाहिए, 95 का 96 कर दीजिए। मैं बिल्कुल जान लगाए हुए हूँ कि 95 का 96 हो जाए। बहुत अखर रहा है मुझको कि 100 में 95 क्यों आए हैं, और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हैं, 1 के 68 आए हैं, 1 के 46 आए हैं, 72 आए हैं, वो अपना बैठे हुए हैं, कॉपी मिली है, अपना मजे मार रहे हैं। अब ये लगभग हर सब्जेक्ट की कॉपीज में हो, और मेरे लिए बड़ी दिल तोड़ने वाली बात होती थी कि अगर मैंने लगाया है कि 97 आने चाहिए तो 95 क्यों आ गए। 97 माने 97 होना चाहिए, मेरा हक है। फिर ये जब मैंने देखा, ऑब्जर्व करा, तो एक दिन अचानक कुछ कौन था यही कि अक्सर जिसके पास जितना होता है उसकी भूख भी उतनी ही ज्यादा होती है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपके पास कम है तो आपकी भूख ज्यादा होगी, और ये बात दोनों आयामों में लागू होती है, सांसारिक भी आध्यात्मिक भी। संत के पास राम ज्यादा होता है, उसको अभी और राम चाहिए। संसारी के पास राम बिल्कुल नहीं है, उसको जरा भी नहीं चाहिए, है भी नहीं। और संत के पास राम बहुत है पर अभी उसे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इसी तरीके से सांसारिक तल में अमीर जितना भूखा है पैसे के लिए, गरीब उतना भूखा हो ही नहीं सकता। उसके पास है और उसे अभी और चाहिए और चाहिए। समझ में आ रही है बात? ऐश्वर्य या अमीरी इसमें नहीं है कि आपके पास बहुत कुछ है, ऐश्वर्य इसमें है कि आपके पास एक चीज है जो नहीं है। कौन सी चीज नहीं है? ये भाव की कोई कमी है। इस भाव की अनुपस्थिति को ही ऐश्वर्य कहते हैं। जिसको ये नहीं लग रहा कि उसके पास कोई कमी है, उसके पास ऐश्वर्य है। आपके पास जितना भी कुछ माल मसाला है उसके मद्देनजर आपको लगता होगी जिसके पास आपसे दूना है उसे कमी नहीं लगती होगी। संभावना यह भी है कि जिसके पास आपसे दूना है उसको कमी भी दूनी है। संभावना यह भी है कि जिसके पास दूना है उसके पास कमी भी दूनी है। तो ऐश्वर्य का मतलब हुआ कि दुनिया के आयाम में और मांगना बंद कर दिया। बंद इसलिए नहीं कर दिया कि साहब हमारी औकात क्या है, हम यहां कितना हासिल कर सकते हैं, नहीं, इस तरीके से बंद कर दिया कि ये उम्मीद हटा दी कि यहां कुछ भी हासिल कर लेने से वो स्वतः हासिल हो जाएगा। नहीं, यहां कुछ हासिल करना भी है तो सिर्फ वो जो उसको हासिल करने में मदद दे,
दुनिया में कमाना है, निश्चित रूप से कमाना है। क्या कमाना है, क्या कमाना है, क्या कमाना है, हथौड़ा कमाना है। अगर आपके पास रुपया भी है तो उस रुपये का इस्तेमाल करिए हथौड़ा बनाने में, फैक्ट्री लगा दीजिए हथौड़े की, बहुत रुपया हो गया है ना, बढ़िया हथौड़ा बनाएंगे एकदम वर्ल्ड क्लास, खुद भी चलाएंगे और दूसरों से भी चलवाएंगे। दुनिया के हर संसाधन का सिर्फ एक ही सही इस्तेमाल है। जो भी चीज़ें हमें पकड़ के बांध के रखे हैं भौतिक तल पर, मानसिक तल पर, उनको गिराना है। अपने संसाधनों का, रिसोर्सेस का, रुपए पैसे का इस्तेमाल आपको आराम और अयाशी के लिए नहीं करना है, हथियार बनाने के लिए करना है। और ये तो बहुत अलग अलग बातें, समझ में आ रही हैं? भाई सरकारें जब बजट बनाती हैं तो उनसे कहा जाता है, देखिए देखिए डिफेंस पे कम से कम खर्च करिए, कम से कम खर्च करिए, और चीज़ों पे ज़्यादा खर्च करिए। आप जब अपना बजट बनाओ कि भाई मेरे पास इतना आता और इतना ज़्यादा है, आप उसमें से 90-95% तो डिफेंस पर ही खर्च करिए। आप तोप के गोले खरीदिए, आप टैंक खरीदिए। मैं ज़्यादा ही प्रतीकों में बात कर रहा हूँ, समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही? आपके पास जो कुछ है उसका इस्तेमाल करिए। आप यहाँ फंसे हुए हो और आपके पास रुपया है, पैसा है, और उसका आप इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं मैं तो और फाइन चादर खरीदूंगी अपने बेडरूम के लिए। कम खाओ, बंदूक चलाओ, ये बंदूक है। इसमें आ रही बात, पैसा इसलिए नहीं है कि पैसा आया है तो बड़ा बिस्तर खरीद लेंगे, पैसा आया है तो बड़ा टैंक खरीदो। उसी में सो जाओ, वो ठीक है। फिर देखिएगा, ऐसे जी के देखिएगा कि अपने ऊपर कितना भरोसा बढ़ जाता है। देखिएगा कि भीतर एक रोशनी रहती है और एक गौरव रहता है, गरिमा रहती है कि हम भी अपने पैसे का इस्तेमाल कर सकते थे विलासिताओं के लिए। अयाशी हमें भी मालूम है, बाजार हमें भी मालूम है, हम भी खरीद सकते थे, पर उसका हमने वो इस्तेमाल करा है जो होना चाहिए।